तुम डाल डाल हम पात पात, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही ग्राम पंचायत नगला बसौला में किसानों द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, ग्राम पंचायत नगला बसौला में चल रहे नाली निर्माण कार्य को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। उसे ये एक सप्ताह पूर्व ग्रामीणों ने रुकवा दिया था और निर्माण कार्य को मानक अनुसार किए जाने की मांग की, परंतु ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की तिगड़मबाजी के चलते अब और भी निचले दर्जे की घटिया सामग्री इस्तेमाल कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें नाली के पानी का कोई निकास नहीं है। पीला ईंट और सीमेंट तो नाम मात्र को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला बसौला में ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से पीला ईंट से नाली निर्माण कार्य चल रहा है और नाली के पानी का जबकि कोई निकास भी नहीं है। आपको ये बताते चले कि एक सप्ताह पूर्व भ्रष्टाचार की निर्माण से खिलाफ ग्रामीण खड़े हो गए और कार्य को रुकवा दिया, परंतु ग्राम प्रधान व सचिव ने भ्रष्टाचार की नई रणनीति बनाकर और अपनी मनमानी करते हुए और भी घटिया दर्जे की सामग्री इस्तेमाल कर निर्माण कार्य पुनः निर्माण शुरू कर दिया है, जिसको देख ग्रामीण ऋषि पाल, रामनिवास, रामचरण, ओंकार, देवेंद्र, राम प्रभात, सत्यपाल, गौरव पाल, राजीव कुमार, सूरज पाल, नन्हे कौशल कुमार आदि सैकड़ों किसानों ने रोष व्यक्त किया, परंतु ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं। इसी को ध्यान में रखकर उच्च अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाते हुए ग्रामीणों ने यूपी 76 न्यूज को बताया। रमेश, पिताजी का नाम छोटे कारक का समस्या है, नाली का समस्या है, नाली की प्रबंध हुआ है, नाली सही भाई। और जब ईंट कौन सी लग रही कौन सी है, क्या है? हाथ लग गया जो मतलब जाओ तुम हाथ रही मतलब गली में तुम्हारी है। दो दिन बोलो, तुम बोलो कोई दिक्कत ना। हाँ, दो दिन न हुए, दो दिन में निकल गई। तुम बोलो कोई दिक्कत ना। बहुत दिक्कत। ईंट कौन सी लग रही है? पीला है, पीला है।